बहुत से लोग यह बोलते हैं कि खराब सिविल स्कोर हो जाने पर कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लो। 20 मार्च 2024 को हमारा सिविल स्कोर अपडेट हुआ था जो कि है 657, और आप यहाँ पर 657 सिविल स्कोर पर देख सकते हो हमें यहाँ पर पूरे के पूरे 10,000 रुपए का लोन मिला है, जिसमें से 9,996 रुपए हमने यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिए हैं। जिस वाले लोन की जो ईएमआई है, जिस वाले लोन का जो रिपेमेंट है, वो हमें करना है 5 अप्रैल को। जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने लोन ले रखा है, उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में सारा का जो सारा खेल है वो है आपके सिविल स्कोर का। इस वाले एप्लीकेशन से आपको दो तरीकों के लोन मिलते हैं, पहला तो यहाँ पर आपको ब्याज वाला लोन मिलता है और सेकंड आपको यहाँ पर बिना ब्याज वाला लोन दिया जाता है। ब्याज वाले लोन का मतलब यहाँ पर पर्सनल लोन से है, और बिना ब्याज वाले लोन का मतलब आपको यहाँ पर क्रेडिट लाइन या फिर क्रेडिट लिमिट या फिर पे लेटर वाली सर्विस देने से है। अगर आपको पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट लाइन या फिर पे लेटर वाली सर्विस के बारे में नहीं पता, तो इन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पर्सनल लोन का मतलब यह होता है कि जितने रुपए का भी आप पर्सनल लोन लेते हो, उस वाले लोन को जब आप अपने बैंक में ट्रांसफर करते हो, उससे पहले ही वहां पर आपके जो चार्जेज होते हैं, जो आपके इंटरेस्ट रेट होते हैं, जितने भी तरीके की फीस वगैरह होती है, वो आपके लोन पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी जाती है, और कैलकुलेट करने के बाद या फिर चार्जेज वगैरह काटने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो लोन होता है वो होता है पर्सनल लोन। मतलब पर्सनल लोन जब आपको मिल जाता है, तब से ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ आपको उसका रिपेमेंट करना होता है। लेकिन जो दूसरे तरीके वाला लोन है, बिना ब्याज वाला क्रेडिट लाइन या फिर क्रेडिट लिमिट या फिर पे लेटर वाला लोन, इस वाले लोन में क्या होता है कि इस वाले लोन में आपको एक फिक्स क्रेडिट लिमिट दी जाती है। अब वो लिमिट कितने रुपए की भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। उस वाली लिमिट में क्या होता है कि जितने रुपए की भी आपकी लिमिट अप्रूव होती है, क्रेडिट लाइन अप्रूव होती है, उस वाली लाइन को अगर आप यूज में लेते हो, तब जाके ही आपका वहां पर इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर आप उस वाली लिमिट को यूज में नहीं लेते, सिर्फ आप उस वाली लिमिट को अप्रूवल करवा के रखते हो और इमरजेंसी के टाइम में काम में लेते हो, तो ही आपका वहां पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। नहीं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट मतलब किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगता है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको इसी वाली क्रेडिट लिमिट को, आप बिना ब्याज वाली लिमिट को, पे लेटर वाली सर्विस को, क्रेडिट लाइन वाली सर्विस को किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा जो लाइव प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उस वाली लिमिट को आप किस प्रकार से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, उसका जो लाइव प्रोसेस है वो इस वाले वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन से जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी, जो आपको क्रेडिट लाइन या फिर पे लेटर वाली लिमिट मिलेगी, उस वाली लिमिट के लिए बस आपको अपना आधार देना है, आपको अपना पैन देना है, तीसरा आपको यहाँ पर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन से किस प्रकार से क्रेडिट लिमिट लेते हैं, बिना ब्याज वाली लिमिट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसका तरीका बता देता हूँ। उसके बाद वीडियो के एंड में इस वाले एप्लीकेशन का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस वाले एप्लीकेशन से आपको लोन लेने के लिए, क्रेडिट लिमिट लेने के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सबसे पहले अपने फोन में इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद इस वाले ऐप में आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स और वर्क डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, भरेंगे। उसके बाद इस वाले ऐप के अंदर आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे। इस वाले ऐप के अंदर जब आप लॉग इन होंगे, तो अब आपको इस वाले लिमिट को लेने के लिए, बिना ब्याज का लोन लेने के लिए, क्रेडिट लिमिट लेने के लिए नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जिप का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर पे लेटर वाली जो लिमिट है वो मैक्सिमम 60,000 रुपए तक ले सकते हैं। अब आपको इस वाली लिमिट को लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है।
उसके बाद अब आपसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपकी मेल आईडी है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सिविल के हिसाब से आपको जितने रुपए की भी लिमिट मिलनी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर जिसका भी लिमिट अप्लाई किया है उसको यहाँ पर 3,000 रुपए की लिमिट मिली है, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। इसके अलावा आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 घंटे का यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन इंस्टेंटली आपकी लिमिट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप मैक्सिमम 60,000 रुपए की जो लिमिट है, इस वाली लिमिट को आप जैसे रिपेमेंट करते जाओगे तो आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर 60,000 रुपए तक इंक्रीज होती जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि इस वाली लिमिट को लेने के लिए आपको 99 रुपए का पेमेंट करना होगा। उसके बाद अब आपको इस वाली लिमिट को लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो लिमिट है जिसका हमने अप्लाई किया है उसको 3,000 रुपए की लिमिट मिली है। अगर आपका सिविल बढ़िया होगा तो यहाँ पर आपको 3,000 से ज्यादा भी लिमिट मिल सकती है, मैक्सिमम 60,000 रुपए तक। अब आप यहाँ पर जो भी लिमिट ले रहे हैं उसकी जो डिटेल्स है वो आपको बताई हुई है कि जो भी आपको लिमिट दी जा रही है वो आपको लैंडबॉक्स लेंडर के थ्रू दी जा रही है। इसके अलावा जो आप लिमिट लोगे उस वाली लिमिट का जो आपको रिपेमेंट करना होगा, जो इसकी बिलिंग की साइकिल है वो मंथली है, मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 महीने का ही टाइम मिलता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी जो लिमिट है उसका आपको रिपेमेंट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी ड्यू डेट है रिसाइकिल की या फिर रिपेमेंट की, वो यहाँ पर डेट फिक्स है, हर महीने की 5 तारीख को या फिर 20 तारीख को आप जो यहाँ पर लिमिट यूज में लोगे उसका आपको 5 तारीख को या 20 तारीख की हर महीने की तारीख को रिपेमेंट करना होगा। इसके अलावा इस वाली लिमिट को आप किसी भी मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए, किसी का भी रेंट पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करने के लिए, मतलब जितने भी तरीके के रिचार्ज होते हैं, जितने भी तरीके के ऑनलाइन बिल होते हैं जिनको आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, इसके अलावा जितने भी तरीके के ऑनलाइन शॉपिंग होती है फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, मंत्रा पर, स्विगी, जोमेटो, जिस पर भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहो उन वाली वेबसाइट पर, उन वाले प्लेटफॉर्म्स पर आप इस वाली लिमिट को यूज में ले सकते हो। इस वाली लिमिट को यूज में लेने के लिए बस आपको स्टार्ट यूजिंग जिप इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वाली लिमिट को यूज में लेना चाहते हो उस वाले प्लेटफॉर्म पर आपको इस वाली लिमिट से शॉपिंग करनी है। उसके बाद आपकी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस वाली लिमिट के थ्रू आपको वहां पर पेमेंट कर देना है। इसके अलावा यह जो आपको लिमिट मिलेगी इस वाले ऐप का जो वॉलेट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इस वाली लिमिट को अगर आप स्कैन करके पे करना चाहो, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस वाली लिमिट को पे कर सकते हो। अगर आपको भी इसी तरीके की लिमिट लेनी है, इसी तरीके का आपको लोन लेना है, तो इस वाले ऐप से कैसे लोन मिलता है उसका लाइव प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा लोन लेने पर उस वाले लोन का अगर आपको रिपेमेंट करना हो तो हर महीने की 5 तारीख को या 20 तारीख को इस वाले ऐप के अंदर जितनी भी लिमिट आपको मिले, जितनी भी आपने यूज ले ली होगी उस वाली लिमिट का आपको रिपेमेंट करना होगा 5 तारीख को या 20 तारीख को। उसके बाद जैसे ही आप उस वाली लिमिट का रिपेमेंट कर देंगे, वापस से जो भी आपको लिमिट मिली है वो आपकी वापस से फुल लिमिट यहाँ पर अप्रूव हो जाएगी और वापस से आप उस वाली लिमिट को यूज में ले पाएंगे। अगर आपको भी इस वाले एप्लीकेशन का नाम जानना है और इससे आपको लिमिट अप्लाई करनी है तो मैं आपको यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। इस वाले एप्लीकेशन का जो नाम है वो है मोबीक्विक जिप पे लेटर। अगर आपको स्पेंड नाउ पे लेटर वाली लिमिट लेनी है, क्रेडिट लाइन लेनी है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करो।